सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच सटीक संपूर्ण सुप्रीम न्यूज। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुंचेंगे हम जिले के हर कोने में, जिले की हर खबर से आपको करेंगे रूबरू। है आपके साथ तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए सुप्रीम न्यूज। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महासंघ के आह्वान पर आज प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर महासंघ द्वारा जो जितने भी घटक संगठन है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर 15 सूत्री जो मांगे थी, जब से सरकार सत्ता में आई थी कांग्रेस सरकार, तब सरकार ने कर्मचारी संगठनों से जो वार्ताएं करी थी, उनसे जो वादे किए थे उनको लेकर कर्मचारी 4.5 साल तक इस चीज़ को सहन करता रहा। अब कर्मचारी जो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है, ये चुनावी वर्ष है। मेरा ये मानना है कि आप देखिए, नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन की राह पर है, ग्राम सेवक है, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, इवन बाबू तक भी पिछले 2 महीने तक हड़ताल पे रहे थे, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि गहलोत साहब कहते कि मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा, पर गहलोत साहब कोई घोषणा करते हैं पर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कुछ विपक्षी लोग इस चीज़ को, ताकि सरकार के खिलाफ एक माहौल बने और कर्मचारी संघ की जो मांगे वो अधूरी रह जाए और आने वाले चुनाव में सरकार के खिलाफ ये कर्मचारी खड़ा हो जाए। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास आयोग के की ओर से पूरे राजस्थान में हम अधिक से अधिक लोगों को हमारी योजनाओं से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से हम ऋण देकर उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं, इसी प्रयास के साथ हमने पूरे राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्रों में, नगर निगमों में और उन क्षेत्रों में जाके हमने जागरूकता शिविर लगाकर आम लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का काम शुरू किया है। और इसी सिलसिले में आज मैं अजमेर में आया हूँ, हमारे यहाँ ये दूसरा शिविर है। हम और शिविर भी वार्डों में, ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति में जाकर लगाएंगे, ताकि अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास आयोग की जो योजनाएं हैं, सरकार जो गरीब को आगे बढ़ाने के लिए, पीड़ित वंचित लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनका आर्थिक संबलीकरण हो, आर्थिक रूप से उनको मजबूती मिल सके, उसी दिशा में हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़े, इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाए। का मामला है, दलित महिला का मामला है और 13वां दिन आज हो गया, हमने 12वां हो गया उसका, आज 13वां दिन है। अब आप ये देखिए कि इस केस के अंदर दलित महिला को जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन वहाँ भांबोलाव के सरपंच शिवराज जी से वो मिली है और मिलकर के उसने बाकायदे अपने सरपंच को ये कहा है कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे एमएलए और एमएलए का जो मुकेश दलाल है, वो उसका जाति भाई है, वो प्रॉपर्टी डीलर भी है और वो ठेकेदार भी है, वो एमएलए से मिला हुआ है, एमएलए की शह पे थानेदार कार्रवाई नहीं कर रहा है। एमएलए की शह पे थानेदार ने थाने में बुला करके महिला से एग्रीमेंट पे साइन कराए हैं जमीन के और उस पर दबाव डाला है। वो थानेदार ने एमएलए की शह पर एक जाट जेसीबी वाले को वहाँ पर भेजा है बाकायदे ज़मीन पे और बाउंड्री वॉल तुड़वाया है और नई बाउंड्री वॉल बनवाई है और महिला जो मृतक थी उसको वहाँ मारा है, उसको प्रताड़ित किया है। अब हमारी ये मांग है कि दलित महिला को न्याय मिले, एमएलए के खिलाफ कार्रवाई हो, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो। थानेदार ने थाने पे बुला करके अपने पद का दुरुपयोग किया है, हम चाहते हैं उसको निलंबित किया जाए, महिला को न्याय दिलाए। मकराना में बकरियां चराने गया युवक पैर फिसलने से खान में गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार लालाराम पुत्र नानूराम बावरी रोजना की तरह बकरियां चराने गया था। इस दौरान कालानाडा रोड पर बकरियां एक बंद पड़ी खान की तरफ चली गई। लालाराम बकरियों को वापस लाने खान की ओर गया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खान के अंदर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, जिन्हें पुलिस ने तितर बितर किया। मृतक के बड़े भाई धाराराम पुत्र नानूराम बावरी ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई बकरियां चराने गया था। पैर फिसलने से वह खान में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन के सुपुर्द कर दिया। खान में गिरने से अकाल मौत का ग्रास बने मृतक युवक लालाराम के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। परिवार में एकमात्र कमाने वाला लालाराम ही था। सूचना मिलने पर मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया मौके पर पहुंचे। विधायक मुरावतिया ने मृतक के परिवार को सांत्वना दी और परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलने पर 50,000 रुपए की सहायता। बॉलीवुड फिल्मों के लेखक एवं निर्देशक अरशद सिद्दीकी ने अजमेर पहुंचकर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत का नजराना पेश किया। सिद्दीकी ने सूफी परंपरा के मुताबिक ख्वाजा साहब के मजार पर मखमली चादर एवं अकीदत के फूल पेश कर दुआ मांगी। सिद्दीकी को दरगाह के खादिम एवं बॉलीवुड दुआगो कुतुबुद्दीन सखी ने जियारत करवाई एवं सिद्दीकी की कामयाबी एवं हिफाजत के लिए काला धागा बांधा और दरगाह का तबर्रुक भेंट किया। श्री देवी की स्टोरी, शुभ निकाह, मार्केट, तेरा मेरा साथ, मेम साहब, माय लास्ट मिस्टेक प्रमुख फिल्मों में से है। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के नीचे पिछले 44 दिन से धरना चल रहा है। गांधीवादी आंदोलन चला रहे थे। हमने 25 तारीख को जयपुर के अंदर एक महारैली की थी, जिसमें हमने निदेशालय का घेराव किया था, जिसके अंदर राजस्थान की 50,000 से ज़्यादा नर्सेज वहाँ पे अपना शरीक हुई थी। लोकतंत्र के अंदर हमने सिर गिनाने का भी काम किया, लेकिन गहलोत सरकार ने किसी भी प्रकार की नर्सेज के जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उनके प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसकी वजह से राजस्थान की समस्त नर्सेज ने 25 तारीख को ये निर्णय लिया कि हम 4 तारीख तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और आगामी 5 सितंबर से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर जाएंगे। अगर सरकार हमारी 4 तारीख तक मांग नहीं मानती है तो 5 तारीख से सारी ये जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी और राजस्थान की जो 70,000 नर्सेज हैं वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर जाएगी। आज हमारे आंदोलन का 44वें दिन था, जिसके अंदर जेलन मेडिकल हॉस्पिटल और हमारे सेटेलाइट और जनाना अस्पताल के अंदर भी 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। इसके बाद में भी हमारे इस गांधीवादी आंदोलन को दबाने की कोशिश करी और हमारे जो नर्सेज के जो नेता हैं उनको सरकार गिरफ्तार करेगी, उसके बावजूद भी हमारा आंदोलन दबने वाला नहीं है। इस बार हमने सरकार से आर पार लड़ने का मूड बना लिया, मानस बना लिया। जिस प्रकार नर्सेज ने कोरोना जैसी महामारी के अंदर राज्य सरकार आके लोगों की जो सेवा करी थी, जब टीकाकरण अभियान आया, वैक्सीनेशन कोरोना जैसी महामारी में उसको सफल हमने अभियान चलाया, प्लस पोलियो जैसा अभियान आता है उसको हम सफल करते हैं, लेकिन नर्सेज पिछले 44 दिन से अपना धरना दे रही है। जहां हमें आज अस्पताल के अंदर होना चाहिए था, मजबूरन हमें 44 दिन से सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन ये राज्य सरकार इन नर्सेज के की 11 सूत्रीय मांगों के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से हमें उग्र आंदोलन करेंगे और 5 तारीख से पूरे राजस्थान की संपूर्ण नर्सेज कार्य बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। मैं धर्मेंद्र चौधरी, जिला से संयोजक राष्ट्र। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन 2030 है उसको लेकर के जो हमारी आज मीडिया पर्सन्स के साथ में आईजी मैम की निर्देशन में और उनकी उपस्थिति में ये मीटिंग ली गई है। मीडिया की तरफ से जो सुझाव आए हैं कि किस तरह की हमारी पुलिस है वो 2030 में होनी चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेज होने चाहिए, किस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और किस तरह से हमारे जो जवान से लेकर के अधिकारी तक है वो ट्रेंड होने चाहिए, उसके बारे में अजमेर की मीडिया के द्वारा बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं। और ये हम जो हमारा अजमेर पुलिस का विज़न 2030 जब हम तैयार करके PHQ भेजेंगे तो इन सुझावों को शामिल करके हम रक्षाबंधन है, चतुर्दशी है, 10:59 तक, 10:59 बाद के अंदर पूर्णिमा आएगी
और 10:59 से ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है, तो रात्रि 9:02 तक भद्रा रहती है। तो जो राखी और श्रवण की पूजा है सुबह 10:59 मतलब 11 बजे पहले कर लेनी चाहिए, और नहीं तो शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे प्रदोष काल में भद्रा की पूज को छोड़ करके रक्षाबंधन की जा सकती है, और उसके बाद में रात्रि 9:02 पर भद्रा उतर जाएगी। तो 9:02 बाद में रक्षाबंधन करें, और नहीं तो दूसरे दिन सुबह 7:02 के तक पूर्णिमा है 31 तारीख को, 30 तारीख को तो भद्रा हो गई, 30 को रक्षाबंधन कर सकते हैं 11 बजे पहले। शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक भद्रा की पूंछ को छोड़कर रक्षाबंधन कर सकते हैं। भद्रा का मुख है 6:30 बजे से 7:15 बजे के बीच में, इसमें कभी रक्षाबंधन नहीं करें, या फिर रात्रि को 9:02 पश्चात ही रक्षाबंधन। मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला मंडल बोरावड़ की ओर से सबलपुर रोड स्थित स्वर्णकार भवन में श्रावण के मौके पर चिरमी खेलो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और नृत्य की प्रस्तुतियां दी। महिला मंडल महामंत्री कोमल सोनी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, महिलाओं और युवा शक्ति प्रतिभाओं में ऐसे आयोजनों से निखार आता है। सोनी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की रीढ़ कहे जाने वाली संयुक्त परिवार व्यवस्था आज लगभग छिन्न भिन्न हो चुकी है। एकाकी जीवन का आदि युवा सामाजिक जीवन से मुंह मोड़ चुका है, और यही एकाकीपन उसे शराब, नशा और अपराध के संसार में धकेल रहा है। महिला शक्ति की जिम्मेदारी है कि हमें सामूहिक रूप से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। प्रचार मंत्री संतोष सोनी ने कहा कि समाज के द्वारा प्रत्येक रविवार को बच्चों एवं महिलाओं के सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम जागृति मंच की शुरुआत की गई है, उसमें अधिक से अधिक भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर संतोष, शकुंतला, अमरी देवी, पूजा, रानू, ज्योति, शारदा, रत्नी देवी आदि मौजूद थे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज धन सिंह उर्फ धनसा निवासी पिपरोली ने अदालत में एक 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के प्रकरण जो यहाँ विचाराधीन है, जो कि पर्वतराज प्रकरण है 17/3/2023 का, नयागढ़ का मीणा गांव का, जहाँ पर रात को उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात लोग आए, हवाई फायर किए, जान से मारने की कोशिश करी, उस प्रकरण में धन सिंह वांछित था। तो आज हमने न्यायालय के समक्ष उसको आत्मसमर्पित किया, और आत्मसमर्पित करने का मुख्यतः कारण यही है कि कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा उसको एनकाउंटर से मारने की एक जो धमकी दी गई थी, जिसको लेके धन सिंह की पत्नी द्वारा भी आपके माध्यम से और एसपी साहब को इस चीज़ के लिए अपना परिवार और बचाए रखने के लिए और धन सिंह की जान माल की सुरक्षा के लिए एक गुहार की थी, तो उसी डर और उसी धमकी के अनुसरण में आज डायरेक्ट धन सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने आप को आत्मसमर्पित किया है, और ये प्रकरण में भी वो वांछित है और कुछ अन्य प्रकरण में भी पुलिस द्वारा उसको वांछित माना जा रहा है, जिस संदर्भ में आज उसको सरेंडर किया। कितने आपराधिक केसेस जो लगभग विचाराधीन है, अभी लगभग 18 से ऊपर प्रकरण विचाराधीन है उसके खिलाफ, पूर्व के प्रकरण जिनमें वो बरी हो चुका है, जिनमें सजा होकर वो खत्म हो चुके हैं मामले, इस तरह पूर्व के लगभग 32-33 प्रकरण है, पर अभी वर्तमान में 18-20 प्रकरण उसके खिलाफ विचाराधीन चल रहे, जिसमें अपने अजमेर माननीय SC/ST न्यायालय में प्रकरण, दो प्रकरण यहाँ विचाराधीन है, कुछ केकड़ी हैं, सरवा सबके पास आईडी नहीं है, मोबाइल में दूसरा तो भी और कारण की वजह से मेरे को फंसाया जा रहा है सब मुकदमों में, इसलिए मैंने माननीय न्यायालय में सरेंडर करके अपनी बेगुनाही साबित कर दिया। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच सटीक संपूर्ण
सुप्रीम न्यूज। जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। पहुंचेंगे हम जिले के हर कोने में, जिले की हर खबर से आपको करेंगे रूबरू। आपके साथ तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए सुप्रीम न्यूज़।